तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है कि बेसिकली अगर तुम इसमें बात करोगे कि ए बॉडी मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, तो अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रही है, दिस इज द सर्कुलर पाथ, तो ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये सर्कल का मैं डिवाइड कर देता हूँ, सर्कल को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये बॉडी मूव इन ए सर्कल, अब मान लो यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट हुई है, टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ था और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 4 सेकेंड है, समझ रहे। और स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, तो चलो मैं इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर, मतलब यहाँ से ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसको 1 सेकेंड लगा होगा, फिर बी से सी तक आने में भी उसको 1 सेकेंड लगा होगा, फिर सी से डी तक आने में भी उसको 1 सेकेंड लगा होगा, फिर डी से ए तक आने में तभी तो 4 सेकेंड हुआ, तो एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर, दिस इज द फाइनल पोजिशन। ये क्या था, ये भाई इनिशियल पोजिशन है, ये इनिशियल पोजिशन है और ये क्या है, फाइनल पोजिशन है। तो ये जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच अगर देखोगे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इनिशियल और फाइनल यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिला देना है, और यही स्ट्रेट लाइन क्या होगा भाई, यही स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर यही स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से मैं अगर मैं मिला दूंगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर इसकी वैल्यू निकालने में सक्सेस हो गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल जाएगा भाई, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो इस ट्रायंगल में ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी r² + r², ठीक है, और ये अंडर रूट, ठीक है, r² अंडर रूट मतलब r√2, तो r√2 का मतलब ये है कि r 10 है और ये √2 है, तो r√2 मतलब ये अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था यार।